फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सर्दियां जा रही है और गर्मी आ रही है, तो गर्मी में ठंडी ठंडी आइसक्रीम, वो भी इतने फ्लेवर की आइसक्रीम एक साथ तैयार करने वाले हैं। हेल्दी और टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट क्रीमी घर के सामान से बनाएंगे, तो आप वीडियो अंत तक देखें। तो अपन शुरू करते हैं, अपन बनाना शुरू करें। उससे पहले देख लेते हैं मैंने दूध कौन सा लिया है। मैंने दूध यहाँ पर बफेलो मिल्क लिया है, कोई फुल फेट और ये कोई पाउच नहीं लिया है। तो इसको अपन अभी कढ़ाई में डालते हैं। दूध को कढ़ाई में डाल दिया, आप देख सकते हैं मेरे दूध ऑलरेडी उबला हुआ था, इसमें और मलाई आई हुई थी। आप चाहें तो डायरेक्ट कच्चा दूध भी ले सकते हैं। और अभी इसको अपने को फुल पे रखा हुआ, जब तक उबाल नहीं आता है तब तक फुल पे रहेगा। फिर आप लो फ्लेम पर इसको उबालते रहे जब तक ये आधा नहीं रह जाए। मैंने यहाँ पर 1/4 कप दूध लिया है, ये अलग से मैंने दूध लिया, वो 1 किलो दूध उबल रहा है। इसके अंदर मैं 7 चम्मच जो कि टेबल स्पून है, ये रूटीन हुआ घर में जो चम्मच होता है, ये भर कर मैंने 7 चम्मच शक्कर लिए, वो इसके अंदर डाल देते हैं। दूध के अंदर मैं ये कॉर्नफ्लोर जो कि 2 टेबल स्पून लिए, वो भी इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। इसी दूध के अंदर मैं यहाँ पर अमूल्य कंपनी का जो 10 रुपये का पाउच आता है, वो मिल्क पाउडर पूरा डाल दूँ। ये शायद है ना 3.5 टेबल स्पून के लगभग होता है, ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। इन सबको अभी लम्स फ्री बैटर तैयार कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। लम्स नहीं बचे, जब ये दूध आधा बचेगा अपना, तब इसके अंदर ये धीरे धीरे ही डाल देंगे। ये दूध आप देख सकते हैं अपन ने डाला तब इतना था और अभी इतना रह गया, तो ये आधा हो चुका। अब जो अपन ने ये गोल तैयार करके रखा है वो इसमें डाल देते हैं। गोल इसमें पूरा डाल दिया। अभी मेरी गैस की फ्लेम मीडियम पर है और डालते समय लो पे थी, क्योंकि अभी ये थिक होने वाला है। इसको 2-3 मिनट ऐसे ही चलाते रहना है, क्योंकि ये कॉर्नफ्लोर है, इसके अंदर वो नीचे जाके चट सकते हैं। ये बैटर को डाले हुए 1-2 मिनट हुआ और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत ही थिक हो चुकी है। अब गैस की फ्लेम अपन बंद करते हैं, क्योंकि ये ठंडा होने पर और ज़्यादा थिक हो जाएगा। ये अपना दूध एकदम ठंडा हो चुका, ठंडा होने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी हो चुकी है। अब मैंने इसको फ्रीज करने के लिए इस तरीके का कोई कंटेनर लिया है, इसको मैं नीचे मैंने प्लास्टिक जो इस तरीके की पॉलीथीन का आता है प्लास्टिक, इसके अंदर जो बैटर ठंडा हुआ वो इसके अंदर डाल देते हैं। ये मैंने पूरा बैटर इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको अपन एल्युमिनियम फॉइल ले और इसके ऊपर ढक्कन लगा दें, इस तरीके से एकदम पैक करना। अगर आप पैक नहीं करेंगे तो आइस क्रिस्टल आ जाएंगे। इसको 5 से 7 घंटे जब तक ये नहीं जमे तब तक इसको फ्रीज़र में रखना है। आइसक्रीम को सेट होते हुए 4-5 घंटे हो चुके हैं फ्रीज़र में, इसको चेक कर लेते हैं। जितनी तरीके आइसक्रीम बनानी है अपन उतने भागों में इसको डिवाइड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह इतनी सॉफ्ट ही जमी है ये, ज़्यादा अपने को टाइट नहीं जमाना था। तो सबसे पहले अपन वैनिला आइसक्रीम तैयार करेंगे, उसके लिए एक हिस्सा अपन मिक्सी के जार में डालते हैं। इतनी आइसक्रीम इस मिक्सी के जार में डाली, अब वैनिला एसेंस की 5-6 ड्रॉप इसके अंदर डाल देती हूँ। अब इसके अंदर जो घर में दूध पे मलाई आती है वो मैं 1 टेबल स्पून ले रही हूँ, इसके अंदर डाल के फिर मिक्सी में अपन 2 मिनट के लिए रन कर लेते हैं। ये मिक्सी में 1-2 मिनट रन किया, आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ बैटर तैयार हो चुका है। ये आप बेसिक है अपने, इससे आप हर तरह की आइसक्रीम तैयार कर सकते हो। प्रज्ञास किचन पे पहले भी 2 तरह की आइसक्रीम डाल रखी है, जिससे आप हर तरह की आइसक्रीम तैयार कर सकते हैं। इसमें अपन ने GMS और CMC कुछ भी यूज़ नहीं करा। अब मैंने यहाँ पर एक डिस्पोजल ग्लास ली, इसके अंदर अपन ये डालकर जमाने रखते हैं। अपन ने वनीला आइसक्रीम तैयार करी, इसके अंदर अपन ने मैंने यहाँ पर बॉर्बन बिस्किट लिया, आप कोई भी चॉकलेट वाले बिस्किट ले सकते हैं, ये इसके अंदर अपन क्रश करके डाल देते हैं। तीन बॉबन बिस्किट लिया है, 2 अंदर इसको चम्मच से मिक्स कर दिया और ऊपर से एक रखा है। अब मैंने यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल लिया, इससे इसको पैक कर दें ताकि इसके अंदर आइस क्रिस्टल नहीं आवे, अच्छे से पैक करें। फिर इसके ऊपर आप रबर बैंड लगा सकते हैं। ये अपनी एक आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई। लेकिन आइसक्रीम बनाने के लिए वापस एक अपन ने जो हिस्सा करा, एक हिस्सा इसमें ले हुए और वैनिला एसेंस डालेंगे, वही कुछ ड्रॉप्स वैनिला एसेंस डाल रही हूँ, 3-4 ड्रॉप डाले आप, 1 टेबल स्पून क्रीम डाल रही हूँ।
यहाँ पर चीकू सुधार के रखे हैं। आप चीकू या एप्पल स्ट्रॉबेरी किसी की भी आइसक्रीम तैयार कर सकते हैं इस बेस में। मैंने यहाँ पर दूध वाली मलाई डाली, आप चाहें तो अमूल वाली फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर एक चीकू जितना इसमें डालकर मिक्सी को 2 मिनट के लिए रन कर ली। इसको भी मैंने 2 मिनट के लिए ब्लेंड कर दिया। आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ बनी। इनको भी इन्हीं ग्लास में डालकर पैक कर दी। ये अपनी चीकू वाली आइसक्रीम भी बनकर तैयार है। मैंने एक इस तरीके का नेस्कैफे का पेपर कप लिया है। अब कुछ मैंने बारीक चॉप चीकू रखा है, वो इसके ऊपर डाल देते हैं। मैंने पैक कर दिया। अब अपन तीसरी वाली आइसक्रीम तैयार करते हैं। तीसरी आइसक्रीम बनाने के लिए ये आइसक्रीम आप डालें। के अंदर 1 चम्मच मलाई डाल रही हूँ और मैंने यहाँ पर कुछ पिस्ता लिए है, भिगोया नहीं है मेरे, ऐसे ही है। और ये केसर को मैंने 1 घंटे पहले दूध में सोक करने रख दिया था, वो इसके अंदर डाल देते हैं। थोड़ी बचा के रखती हूँ ऊपर के गार्निश के लिए। इस आइसक्रीम में अपने को एसेंस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि केसर और पिस्ता का ऐसे ही फ्लेवर अच्छा आता है। अब इसको मिक्सी को 2 मिनट के लिए रन कर लेते हैं। अपनी पिस्ता और केसर वाली भी तैयार हो गई। आप देख सकते हैं अपने के कोई कलर ऐड नहीं करा है तो भी बहुत ही सुंदर कलर आया। इसको भी अपन डिस्पोजल वाली ग्लास में डाल देते हैं। इसको भी ग्लास में डाल दिया है। अब जो अपन ने कुछ केसर बचा के रखी है वो इसके ऊपर डाल देते हैं। अभी एल्युमिनियम फॉइल से पैक कर देते हैं। मैंने अभी आधी आइसक्रीम ली और आधी बचाई है। इसके अंदर भी 1 टेबल स्पून मलाई डाल रही है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें वरना अपना ऐसे भी बैटर बहुत अच्छा बना है। अब मैंने एक बनाने को कट करके रखा है, वो भी इसके अंदर डाल देते हैं। और इसमें चॉकलेटी टेस्ट बनाना और चॉकलेट का टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो मैं यहाँ पर मंच ले रही हूँ, वो भी इसके अंदर डाल देते हैं। इसको भी 1-2 मिनट के लिए रन कर लेते हैं। अपनी बनाना मंच आइसक्रीम भी तैयार है। इनको भी अपन कप में फिल कर देते हैं। कप में फिल कर दी। अब कुछ मैंने मंच के इस तरीके से क्रश करके टुकड़े करके रखे हैं, आप देख सकते हैं, वो इसके अंदर ऊपर से लगा देते हैं। इनको मैंने पैक कर दिया। इनको भी अपन फ्रीजर में सेट होने रखते हैं। इस आइसक्रीम में अपन ने एसेंस यूज़ नहीं करा है। बची हुई आइसक्रीम भी मैंने मिक्सी जार में ले ली है। इसके अंदर भी 1 टेबल स्पून मलाई डाल रही हूँ और ये आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी और यूनिक बनने वाली है। तो मैंने यहाँ पर होममेड जैम लिया है जो कि इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। ये मैंने बिना फ्रूट का जैम बनाया है रू अफ़ज़ा से, तो ये इसके अंदर 1 टेबल स्पून डाल देते हैं। 1 स्पून जेम डाल दिया। इसको भी 1-2 मिनट रन कर लेते हैं। जेम वाले भी मैंने रन कर ली। इसको भी अपन कप में फिल कर देते हैं। कप में फिल कर दिए। अब मैंने कुछ थोड़ा सा जेम इस पाइपिंग बैग में डाला है, वो ऊपर से अपन गार्निश कर देते हैं। ये आइसक्रीम आप ज़रूर ट्राई करें क्योंकि बहुत टेस्टी और यूनिक आइसक्रीम है। पैक कर देते हैं। आइसक्रीम को भी जमने के लिए फ्रीज़र में रख देते हैं। अब सारी आइसक्रीम को 6 से 7 घंटे तक जमने देते हैं। मिलते हैं अपन 7-8 घंटे बाद। ये अपनी सारी आइसक्रीम जम चुकी है। मैंने इसको फ्रीज़र में 7 से 8 घंटे रखा है। अब अपन इसको खोल के कट करते हैं। देख सकते हैं कितने अच्छे से जमी और बहुत ही सुंदर लग रही है और खाने का मन हो रहा है ना। तो मैंने इनको निकालने के लिए यहाँ पर एक भगोनी में बर्तन में ये पानी लिया है। इसको आइसक्रीम को थोड़ा सा इस ग्लास को इसमें इस तरीके से डिप करें और इजीली निकल जाएगी।
आइसक्रीम निकाल ली, और ये वाली बहुत ही क्रीमी है, इनको कप से निकालने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही खा सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही क्रीमी और सॉफ्ट बनी है, ये अपनी जैम वाली आइसक्रीम है। और ये वाली बनाना मंच वाली, ये भी बहुत ही क्रीमी और सॉफ्ट बनी है। इस तरीके से आप कोई भी फ्लेवर की आइसक्रीम बना सकते हैं। ये वाली है चीकू वाली, और ये है बॉबन बिस्किट की, और ये वाली केसर और पिस्ता की है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करके बताएं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इसी तरीके की नई नई रेसिपीज़ के साथ।